आज के चार्ट ऑफ द वीक के अंदर हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। एक स्टॉक को हम लगभग 85 रुपए के ब्रेकआउट के लेवल पर हमने दिया था, इस समय 135 रुपए चल रहा है, तो उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट इस समय आपको मिल रहा है। फिर से उसके अंदर एक रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ हमको नजर आया है, तो इस स्टॉक के अंदर अच्छे टारगेट हमको फिर से मिलने वाले हैं। और जो सेकंड स्टॉक है उसके अंदर यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो उस स्टॉक के अंदर भी यहाँ पे तगड़े पैसे बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से दो स्टॉक है जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के मकसद से है, खरीदारी बिकवाली करने की मेरी कोई राय नहीं है। जो भी कुछ आपको करना है अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर आप कर सकते। तो आज का दोस्तों जो पहला स्टॉक है हमारे पास में वो है इंजीनियर्स इंडिया का, और इंजीनियर्स इंडिया के स्टॉक के भाव की बात करेंगे तो 135 रुपये हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग भाव था, और 4% से भी ज़्यादा की तेजी हमको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। और आप कुछ टाइम से देख रहे होंगे जितने भी PSU स्टॉक हैं सबों के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो जो टारगेट मेरा इंजीनियर्स इंडिया के मैंने सोच के रखा है मुझे पूरा विश्वास है कि वो टारगेट इस स्टॉक के अंदर जरूर आने वाला है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, वहां जाके देखते हैं कैसा इंजीनियर्स इंडिया का हमें चार्ट लग रहा है। देखिए दोस्तों अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां जाके आप ऐड हो सकते हैं। अभी हमने जितने भी स्टॉक दिए थे सभी के अंदर हमारा टारगेट आता हुआ नजर आया था, जिसके अंदर हमारा देखो राइट्स था, हमारा जेंसर टेक्नोलॉजी था, उसके बाद महिंद्रा हॉलीडे था, और भी स्टॉक थे, सभी में हमारे टारगेट कंप्लीट हुए हैं। तो ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास में इंजीनियर्स इंडिया का सबसे पहले वीकली चार्ट है, और आपको अच्छी तरह से याद होगा मैंने जो ये येलो कलर का जो जोन बना रखा है इसके ब्रेकआउट के ऊपर इंजीनियर्स इंडिया को दिया था, और ये लेवल था हमारे पास में लगभग 85 रुपये से लेकर 90 रुपये का, क्योंकि इस रेंज का यहाँ पे दो बार ये रेजिस्टेंस ले चुका था, और इस ब्रेकआउट के लेवल के बाद में अच्छे पैसे बना के दिए। हमने जब चार्ट ऑफ द वीक में दिया था उसके 3-4 वीक के बाद में एक बड़े यूट्यूबर ने भी इस स्टॉक को चार्ट ऑफ द वीक में दिया था इसी ब्रेकआउट के लेवल के बाद में, तो यहाँ पे अच्छे पैसे आपको इस स्टॉक के अंदर बनते हुए नजर आए थे। फिर से एक रेंज का ब्रेकआउट हमको इस स्टॉक के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम नजर आ रही होगी, ये वॉल्यूम आप देख सकते हो कि जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में स्टॉक यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चलिए कौन सी रेंज का ब्रेकआउट हुआ है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने सेकंड एक येलो कलर का जोन और बना दिया है, वो ये वाला जोन है हमारे पास में। इस जोन को मैं बात करूँ तो वो था हमारे पास 120 से लेके 125 रुपए का, ये इसके लिए अगला रेजिस्टेंस था और यही हमारा टारगेट था। मैंने उस वीडियो के अंदर कहा था आपको कि ये टारगेट हमको इस स्टॉक के अंदर आएगा, और मैं इस लेवल की बात करूं तो यहाँ पे देखिए आपको लगातार ये रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं हमको, ये मेरे पास ब्रेकआउट हुआ फिर से यहाँ पे सपोर्ट बनाए, स्टॉक एक राउंडिंग टॉप बना के गिरा है, ये सपोर्ट रहा फिर ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार इस लेवल के रेजिस्टेंस है हमारे पास में। तो जो 120 से लेके जो 125 का लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है हमारे इंजीनियर्स इंडिया के लिए। और इस वीक देखें तो हमको ये जो ब्रेकआउट नजर आ रहा है ये एक गैप अप के साथ में ब्रेकआउट हुआ है, तो हम यहाँ पे एक ब्रेक अवे गैप बनाए इस स्टॉक के अंदर। और अब मैं टारगेट की बात करूंगा तो मुझे इसका जो अगला टारगेट है वो 165 से लेके 170 रुपए का आता हुआ नजर आता है, और ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो जो सेकंड टारगेट है वो मेरा इसमें 200 रुपए का है। तो मैं इस स्टॉक के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, और ये स्टॉक है इस स्टॉक के अंदर ये टारगेट जरूर आएंगे। अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं कि अब हमको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है इस स्टॉक के अंदर, ताकि जो हम प्रॉफिट में बैठे हैं वो कम से कम लॉस में ना जाए। अब मैं स्टॉप लॉस की बात करूंगा तो आपको जो ये लगभग 115 रुपए का जो लेवल है ये आपको स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 बार रेजिस्टेंस था, इसको यहाँ पे इसने गैप अप के साथ ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद में देखिए इस लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट भी कर चुका है। तो ये जो लेवल है हमारे पास में, और ये लेवल लगभग हमारे पास में 110 से लेके और 115 के बीच का है, तो आप सीधा सीधा 115 रुपए का डेली क्लोजिंग बेसिस का SL रख के इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब सेकंड स्टॉक पर चलते हैं, कौन सा है जिसके अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना। आज का जो सेकंड स्टॉक है चार्ट ऑफ द वीक में, स्टॉक का नाम है IIFL फाइनेंस, और जो हमारा फ्राइडे का स्टॉक का भाव था वो 568 रुपए क्लोजिंग भाव था। स्टॉक के अंदर 1% से ज्यादा की तेजी हमको देखने को मिली है, और जो मार्केट कैप है यहाँ पे IIFL फाइनेंस का वो 21,620 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, किस तरह का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है उसे देख। देखिए दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करें व शेयर करें, और अगर देखे दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत बरतिए। और यहाँ पे IIFL फाइनेंस का सबसे पहले हम देखिए वीकली चार्ट देख रहे हैं, और इस वीकली चार्ट के अंदर अगर मैं हाई की बात करूंगा
तो ये हाई 2018 में लगा था 868 रुपए का, और जो लो लगा है वो लगभग ये 60 रुपए का लगा है जो कोविड के दौरान का लगा है। अब यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छी आई है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस निचले लेवल पे लगातार वॉल्यूम के साथ में स्टॉक के अंदर खरीदारी करी जा रही है। अब स्टॉक के लिए जो 520 से लेके 530 का लेवल था वो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पे हमारे लगातार पहले सपोर्ट थे और यहाँ पे देखिए 2 से 3 बार ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है स्टॉक के लिए, और इसके बाद यहाँ पे देखें तो 2 से 3 बार फिर से रेजिस्टेंस बना है और इसी लेवल के पास में स्टॉक अपना देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है। और यहाँ पे पैटर्न आपको स्पष्ट तौर पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न नजर आ रहा होगा। ये लेफ्ट शोल्डर हो गया हमारा, ये पूरा हेड हो गया, हेड के बाद में राइट शोल्डर हो गया। तो इस तरह से IIFL फाइनेंस के अंदर हमको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो ये हमारी नेकलाइन है, इस नेकलाइन की हमने बात करी थी, वो थी 520 से लेके 530 रुपए की। इस समय स्टॉक का भाव 568 रुपए चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रेकआउट कैंडल के बाद भी इसके हाई के ऊपर जाके इस वीक हमको क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए स्टॉक के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक बार इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो अगर बाई चांस इस लेवल पे रिटेस्ट करता है, कोई रिवर्सल कैंडल बनती है, तो वहां पे निश्चित तौर पे खरीदारी कर सकते हो। इस लेवल पे भी आप इस स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। मैं टारगेट की बात करूंगा तो टारगेट निश्चित तौर पे जो हमने 868 रुपए की जो हाई की बात करी थी, ये टारगेट इस स्टॉक के अंदर आते हुए हमको नजर आएंगे। स्टॉप लॉस की बात करूंगा कि स्टॉप लॉस स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है, तो जो हमारा लेफ्ट शोल्डर बना है उसके नीचे का आपको यहाँ पे SL रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर की, तो यहाँ पे जो हमको इसका लो है वो लगभग 420 रुपए पे नजर आ रहा है। तो यही आपका इस स्टॉक के अंदर SL रहने वाला है। तो IIFL फाइनेंस के अंदर इस समय 420 रुपए के SL के साथ में आप स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि भैया SL तो बहुत बड़ा है, तो देखिए टारगेट भी यहाँ पे हमको लगभग देखिए 300 रुपए का आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जैसे स्टॉक आपके प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाएगा खरीदारी के बाद में, तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ बने रहिए, या हम इसके ऊपर बाद में वीडियो बना के अपडेट कर देंगे। तो ये जो SL इस समय 420 रुपए का नजर आ रहा है, इस SL को हम बढ़ा के यहाँ पे ऊपर की तरफ ले आएंगे। तो इस तरह से देखें दोस्तों, आज के चार्ट ऑफ द वीक के अंदर हमने दो स्टॉक के बारे में बात करी है। पहला स्टॉक था इंजीनियर्स इंडिया को, जो इसको हम पहले भी एक बार दे चुके हैं। दूसरा स्टॉक था IIFL फाइनेंस। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है, दोनों स्टॉक अगर बढ़िया लग रहे हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।